Good morning student, today we are going to study sentences. Okay, what are sentences? Sentence क्या होता है? हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा वाक्य. हिंदी में हम sentence को बोलते हैं वाक्य. वाक्य क्या होता है? A group of words that make a sense is called a sentence. मतलब group, जिस group यानी कि बहुत सारे शब्दों का समूह जिससे एक sense निकलता है, एक मतलब निकलता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. ओके, जब हम बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं तो हम कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं और उन्हीं वर्ड्स का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई नॉट गो वॉक. आई नॉट गो वॉक, इससे कोई सेंस निकल रहा है क्या? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है. यहाँ पे मैंने लिखा लीव द कैट. लीव द कैट, इससे भी कोई सेंस निकल रहा है? ये वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन इससे कोई सेंस निकल रहा है? कोई मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लियर हो पा रहा है क्या? नहीं, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है. अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. आई लिव इन भिलाई. मैं भिलाई में रहती हूँ. मैं भिलाई में, आपको ये सेंटेंस, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसका जो कलेक्शन है, ग्रुप जो है, उससे आपको पता चल रहा है कि मैं कहाँ रहती हूँ, भिलाई में रहती हूँ. उससे एक मीनिंग क्लियर हो रहा है कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस. जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है? कार है. इसमें भी आप क्लियर हो रहा है कि मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कार है. सेंटेंस वो होता है जिसमें वर्ड्स को ऐसा अरेंज किया जिससे हमको सेंस बनता है. अगर वर्ड्स तो ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ये भी है, लेकिन इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि इससे कोई सेंस नहीं बना, कोई मीनिंग नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला इसमें. जब हम वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज करते हैं उनके प्रॉपर ऑर्डर में, तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. जिससे कंप्लीट सेंस निकलता है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. अभी जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, गो स्कूल इन, गो स्कूल टुडे. ये सेंटेंस है क्या? नहीं, सेंटेंस नहीं, क्योंकि इससे कोई सेंस नहीं. अगर इसी को हम अरेंज करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, अरेंज करते, जैसे टुडे आई विल गो टू स्कूल. टुडे आई विल गो टू स्कूल, इसका मतलब मैं आज स्कूल. अगर हम इसी को प्रॉपर अरेंजमेंट करें, क्या बन गया? सेंटेंस बन गया. ओके, और कभी भी आप याद रखेंगे, जब सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दीजिए. फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर ही होगा. और क्या होगा? कैपिटल लेटर. और जब आप सेंटेंस को एंड करेंगे तो फुल स्टॉप जरूर लगाना है, अदरवाइज सेंटेंस को हम कंप्लीट नहीं कहेंगे. जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा, और जब सेंटेंस को हम एंड करेंगे तो क्या होगा? फुल स्टॉप लगाएंगे, तभी हम बोलेंगे कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट है. ओके,